हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड फ्रेंड। इस समय बज रहे हैं सुबह के 9:30 और शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट कर दिया है सुबह सुबह भाई लोगों ने अपनी जितनी भी पुरानी बुक्स वगैरह थी उन सबको छांटना, बिकॉज जितनी भी रद्दी किताबें होंगी जो अब नहीं चाहिए, यूज़ में नहीं है, वो सारी किताबें हम लोग बेच देंगे। तो आज इतनी सारी किताबें निकाल दी हैं जो इतने समय से रखी हुई थी, बट कोई उसे यूज़ नहीं कर रहा था, पढ़ने वगैरह के लिए यूज़ में नहीं था। तो यहाँ पर मम्मी, जय और भाई छांट रहे हैं बुक्स वगैरह जो जो नहीं चाहिए, जो यूज़ की होंगी उनको रख लेंगे और जो यूज़ की नहीं होगी उनको बेचेंगे। इसीलिए सब छांट रहे, इतनी सारी छांट दी सुबह से। एक लाइब्रेरी बनने लायक पूरी बुक्स है हमारे पास में। सो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह देखिए इतने सारे बुक्स वगैरह निकाल दिए हमने सब रद्दी में बेचने के लिए। और मम्मी ने सुबह सुबह गेहूं भी सुखा दिए हैं यहाँ पे, कुछ छत में रखे हुए हैं और कुछ यहाँ पर रख दिए सुखाने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में ही बहुत तेज धूप आ गई है। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं सुबह के 10 और रेडी है हम लोगों का बनकर ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स, आज तो हम लोग और ज्यादा लेट हो गए हैं ब्रेकफास्ट करने में, बिकॉज सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले मम्मी ने गेहूं ऊपर छत में रखा, उसके बाद जितनी भी बुक्स वगैरह थी जो यूज में नहीं थी वो सारे हम लोगों ने छांट कर रद्दी में बेचे, तो इसीलिए काफी टाइम लग गया। तो हेमा दीदी ने भी ब्रेकफास्ट तो कब का बना लिया था, बट हम लोग काम पर लग गए थे जिस वजह से ब्रेकफास्ट करा नहीं। तो अब हम लोग करेंगे अपना ब्रेकफास्ट, बिकॉज मॉर्निंग वाले काम सारे हम लोगों ने कर लिए कम्प्लीट। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेकफास्ट करना और बनाएंगे आगे का व्लॉग ब्रेकफास्ट के बाद। तो फ्रेंड्स, जिसने ब्रेकफास्ट बना रखा है वो ही ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आ रखी है, बिकॉज वो फोन पे कर रही है बात। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद सब हो चुका है, भाई का अभी ऑफिस का काम करने का टाइम, तो भाई स्टार्ट हो गया ऑफिस का काम करने के लिए। और मेरे भी आँख में ये पता नहीं क्या हो गया, आँख दाना टाइप का हो रहा है, आई फ्लू नहीं है ये, यहाँ तो सबको आई फ्लू फैल रहा है, बट ये अजीब सा कुछ दाना सा हो गया है। इस टाइम पर ये टाइजी सिरप पी रहा है भाई। सो फ्रेंड्स, अब मैं भी आ गई हूँ बाहर और अब मम्मी ने यहाँ पर रख दिया है सुखाने के लिए चावल। तो पहले से यहाँ पर मम्मी ने गेहूँ रख रखे थे, लेकिन अब मम्मी ने गेहूँ वहाँ पर रख दिए हैं और गेहूं की जगह अब यहाँ पर मम्मी ने रख दिए हैं चावल। आजकल 2-3 दिन से बहुत तेज की धूप आ रही है, इसीलिए मम्मी गेहूं वगैरह सब सुखाने पे लगे हुए हैं। और क्योंकि अभी हेमा दी भी आ रखी है और भाई भी है, जय भी है, सब है, तो थोड़ा सा हेल्प भी मिल जा रहा है, क्योंकि ऐसे काम अकेले करने में काफ़ी टफ पड़ जाता है। तो अभी क्योंकि सब घर पे हैं तो मिलजुल करके काम हो जा रहे हैं अच्छे से, वरना अभी इस टाइम पर तो बहुत तेज की धूप हो रखी है, बाहर रहने लायक नहीं हो रखा है, क्योंकि दोपहर के 1 बज रहे हैं इस समय। और हेमा दीदी तैयारी कर रही है अंदर दिन का लंच बनाने की, तो मम्मी इसीलिए इन सारे कामों पर लग गए हैं। सो फ्रेंड्स, अब मम्मी भी आ गए हैं भिंडी की खेत में और अब मम्मी तोड़ रहे हैं भिंडी, क्योंकि काफ़ी सारे भिंडी हो चुके हैं तो इसीलिए मम्मी तोड़ रहे हैं भिंडी। वैसे भी हम लोग ने काफ़ी भिंडी खा ली है, इसमें से बहुत सारे भिंडी तोड़ करके बहुत सारी सब्जी बना करके खा लिया, अब तो भिंडी ख़त्म होने वाली है इस खेत में भी। तो फ्रेंड्स, इसमें तो बहुत सारी भिंडी हुई इस बार और अब मम्मी कह रहे हैं कि अब जब ये सारी भिंडी ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ से इनको हटा करके मम्मी हरी सब्जी लगा देंगे इनमें। अब मक्का भी होने लग गए हैं, अब इनमें मक्का होंगे कुछ टाइम बाद, अभी छोटे छोटे होने लग गए हैं इनमें। 2-3 बार तो मम्मी ने इन पर मेहनत करी है तब जा करके अब हो रखे हैं मैंने। हाँ, क्योंकि अगर जब मम्मी ने फर्स्ट टाइम लगाया था अगर उसी समय मक्के हो जाते तो अब तक तो खाना स्टार्ट हो गया होता, बट क्योंकि स्टार्टिंग के 3 बार तो ख़राब हो गए थे तो मम्मी ने दोबारा से लगाए थे, तिबारा से लगाए थे, दोबारा भी नहीं, तब जा करके हो रखे हैं। उसमें भी बहुत बचाया इनको, क्योंकि कभी गाय भैंस आ करके खा जा रहे थे, चौकीदारी करनी पड़ रही थी, ऐसे ही नहीं मिल जाता कुछ भी, चौकीदारी करनी पड़ती है हर चीज़ की।
सो फ्रेंड्स, क्योंकि मम्मी ने सारी भिंडी तोड़कर यहाँ पर ऐसे ही रख दी थी, तो अब मैं ले आई हूँ अंदर से टोकरी। तो अब मम्मी सारे भिंडी रख दे रहे हैं टोकरी में। सो फ्रेंड्स, बाहर से तो लगभग सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लोगों ने चावल भी रख दिए हैं बाहर सुखाने के लिए और गेहूं भी रख दिए सुखाने के लिए। और आज तो मॉर्निंग में शुरुआत हुई थी भारी भरकम काम से, क्योंकि आज हम लोगों ने सुबह जितने भी हम लोगों की पुरानी बुक्स थी जो यूज़ में नहीं है अब, वो सारी बुक्स हम लोगों ने निकाली और हम लोगों ने वो सेल कर दी। तो आज इतना काम तो हुआ सुबह सुबह। 7-8 किलो किताबें थी वो कम से कम जो बेची आज। और अभी मम्मी चावल को पूरा फैलाने लग गए हैं। तो फ्रेंड्स, फैला दिए मम्मी ने अच्छी तरीके से चावल भी। तो अब पकड़ते हैं भिंडी की टोकरी और ले चलते हैं अंदर, क्योंकि हो गया है बाहर का काम कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, हेमा दीदी तो अंदर किचन में कर रहे हैं दिन का लंच बनाने की तैयारी। और हेमा दी ने ऑलरेडी बना दिया है दाल, और आज हेमा दी ने बना रखी है मिक्स दाल। और एक साइड से बन रहे हैं चावल और दूसरे साइड से कढ़ाई इसीलिए रखी हुई है क्योंकि इसमें बनेगा फ्राइड राइस। और बिजलू सोया हुआ है यहाँ। आज तो बिजलू सुबह ही आ गया था, ये बहुत फाइटिंग करके आया हुआ है किसी से, इसको जहाँ तहाँ चोट लगी हुई है। ये देखो सुन भी रहा है, जैसे पहले भोलू इतना फाइट करता था और जहाँ तहाँ से उसको चोट लगी रहती थी, वही हाल अब बिजलू का हो गया है। ये देखो इसके हाथ में कितनी चोट लगी हुई है। सो फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं दोपहर के 3 और बिकॉज हो चुका है भाई का भी लंच ब्रेक, तो अब हम लोग करेंगे अपना दिन का लंच। आज हेमादी ने बना रखा है मिक्स दाल और फ्राइड राइस और सिंपल दाल भी है। हेमा दीदी ने तो आते ही सबकी पार्टी कर दी, तरह तरह के व्यंजन बनाने लग गई। और बिजलू सोया हुआ है ऊपर एकदम मस्त तरीके से, और हेमा दीदी तो खुद गायब है, सुबह भी गायब थी, उसकी केवल थाली थाली दिख रही है। और फ्रेंड्स, खाना बनाने वाला इंसान ही आया। तो फ्रेंड्स, फिलहाल करेंगे हम लोग अपना लंच, बनाएंगे आगे का व्लॉग लंच के बाद। मम्मी सारे गेहूं इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि एक साइड को इकट्ठा करके उसके बाद इसको संभाल देंगे ड्रम में, क्योंकि इनको पूरा फैला रखा था, इसीलिए अभी मम्मी इकट्ठा कर रहे हैं गेहूं, फिर इनको इकट्ठा करके इजीली ड्रम में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, घर के आगे जो भी गेहूं और चावल रखे हुए थे सुखाने के लिए सुबह से, वो सब तो संभाल दिए हैं, और इसीलिए अब छत में जितने भी गेहूं रखे थे उनकी बारी आ गई है। सो फ्रेंड्स, मम्मी ने इतना सारा गेहूं संभाल दिया है टब में। सो फ्रेंड्स, एक साइड से हेमा दीदी सारे गेहूं को इकट्ठा कर रही है और दूसरे साइड से मम्मी साफ करके ड्रम में संभाल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं रात के 9:30 और रेडी है हम लोगों का भी बनकर डिनर। अब सारे काम निपट चुके हैं, गेहूं भी साफ करके संभाल दिए हैं ड्रम में और चावल भी संभाल दिए हैं और भाई का भी हो चुका है ऑफिस का काम पूरा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे अपना डिनर और मैं करूंगी अपना आज का ब्लॉग यहीं प्री क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।